नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस बात से एग्री हूँ। ठीक है वो नहीं खेल रहा, 15 साल से 16 साल से लगातार खेल रहा है, लगातार हिंदुस्तान के लिए सर्विस दे रहा है अपनी, तो अगर वो नहीं भी खेल रहा है तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई उसे खेलना ही खेलना है। और भी लड़के हैं, यंगस्टर को मौका मिल रहा है इस बहाने कि वो नहीं खेल रहा था तुम करके दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये लीग हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी है, 35 साल के ऊपर वालों के लिए, 40 साल के ऊपर वालों के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा, मन लग रहा, जीत भी गए तो और मन लग रहा। जसप्रीत बुमराह की कमी, क्योंकि वो अलग किस्म का बॉलर है, आपको पता, सबको ही पता है कि बेहतरीन बॉलर है, और जब भी विकेटों की ज़रूरत होती है बुमराह विकेट निकाल के देता है, तो थोड़ी सी तो कमी खा रही है उसकी। रोहित के साथ आप बहुत क्रिकेट खेले, रोहित की कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी कैप्टनसी करता है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, IPL हो, उसमें है वो भी यूज़ करना जान गया, प्लेयर को कैसे यूज़ करना है, किस स्थिति में कैसे खिलाना है, टीम को कैसे खिलाना है, प्लेयर को कैसे यूज़ करना है, तो है उसमें। कुछ नॉन क्रिकेटर्स लोगों ने ये भी टैग लगा दिया कि भाई बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत रहे, ICC का टूर्नामेंट नहीं जीत रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ये चलता रहता है, कोई इसमें कोई कहीं ना कहीं टीम अगर फाइनल सेमीफाइनल पहुंचे मतलब वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा खेल रहे तभी तो सेमीफाइनल फाइनल में खेल हो जाता है कि फाइनल हार गए या सेमीफाइनल हार गए, तो इसमें कोई ऐसा ऐसी वो नहीं होनी चाहिए कि नॉन क्रिकेटर लोग ज़्यादा वो करते हैं, जो क्रिकेट खेले हैं उनको तो ज्ञान है, आइडिया है, बाकी नॉन क्रिकेटर लोग ये बातें करते हैं कि हम फाइनल ही नहीं जीते हैं जी, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए।